कुछ मीडिया मानसिकता के लोग हैं यहाँ जिनको ये चीज़ें पच नहीं रही हैं कि भाई इतनी बड़ी अलायंस हो गई और सब लोग एकजुट बैठे हैं और फलदायक बैठक हो रही है, तो उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी जो है किस प्रकार से की जाए। 26 पार्टी का अलायंस है, 26 पार्टियों के ऐसे दल हैं जिसमें सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा और हम लोग सब मजबूती से देश के संविधान के लिए, देश के प्रजातंत्र के लिए, देश की जनता के लिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे और उसमें विजयी होंगे। मैं ये क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। तो सुने आपने ये बयान, ये ज्यादा दिन पुराने नहीं है। दिसंबर महीने में इंडिया गठबंधन एनडीए को पटखनी देने के दावे कर रहा था, लेकिन महीने भर से भी कम समय में ये दावे हवा हवाई हो गए। वैसे अंदाजा तो पहले से ही लगाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का एक साथ आना और सीट शेयरिंग होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और हुआ भी वही। बयान के बाद बयान आए और विपक्ष की एकता ध्वस्त हो गई। कोई भी दल कांग्रेस को सीट देने के लिए तैयार नहीं है जो 26 दलों वाले इस गठबंधन में सबसे बड़ा दल होने का दावा करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीएमसी की। तो ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में वो अलग ही चुनाव लड़ेंगी और वो कांग्रेस या लेफ्ट के साथ सीट शेयरिंग करने को बिल्कुल तैयार नहीं। अब इसके पीछे वजह यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से केवल 2 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि ममता बनर्जी ने 22 और बीजेपी ने 18 सीटों पर कब्जा किया था। पश्चिम बंगाल में कभी कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन अब हालत पतली। कांग्रेस में विपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो लगातार अपनी सीट जीत पा रहे हैं। इस बार तो ममता बनर्जी ने बंगाल की सभी 42 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। अब ऐसे में अधीर रंजन चौधरी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर ममता बनर्जी इस बात को जानती हैं कि कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करने का मतलब ये है कि जिन वोटों की फसल ममता बनर्जी ने कई साल के संघर्ष के बाद उगाई है, उसी फसल को काटने के लिए कांग्रेस को सौंप दी जाए। और मान लो कांग्रेस इन सीटों पर जीत भी जाती है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बंगाल में कांग्रेस ममता बनर्जी का आधार कमजोर करने की कोशिश नहीं करेगी। यही वजह है कि ममता बनर्जी कोई चांस नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो बंगाल की जमीन अगर खोती हैं तो उनके पास बंगाल के बाहर कोई ऐसा आधार भी नहीं है जिसका सहारा उन्हें मिल सके। चलिए अब बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी यानी आप, जो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करने की कोशिश में लगी हुई। दिल्ली में तो मुमकिन है कुछ फॉर्मूला काम भी कर जाए, लेकिन पंजाब में तो भगवंत मान ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग से साफ इनकार कर दिया। पंजाब के कांग्रेसी नेता भी आपके साथ सीट शेयरिंग करने के पक्ष में नहीं है। वजह भी दो हैं। पहली ये कि सरकार में आने के बाद भगवंत मान ने कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ जांच बिठाई और कानूनी कार्रवाई की और कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी कहा। तो आपकी वजह से केस झेल चुके पंजाब के कांग्रेसी नेता उसके साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वहीं दूसरी तरफ जिस कांग्रेस को हराकर आप सत्ता में आई थी, उसी के साथ लोकसभा चुनाव में अगर आप गठबंधन करती है तो वोटरों के बीच एक गलत संदेश जाएगा कि दूसरी पार्टियों की तरह ही आप भी सत्ता की भूखी है और उसकी विचारधारा भी दूसरी पार्टियों जैसी ही है। तो अपनी छवि को बनाए रखने के लिए आपका पंजाब नेतृत्व कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो कुछ ऐसी ही सोच कांग्रेस भी रखती है। यूपी की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन कर लिया और उसे 7 सीटें दी। हालांकि कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। यहां पर भी खींचातानी तय है, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग करेगी और सपा शायद ही उसे ज्यादा सीटें दे। वैसे भी कांग्रेस का यूपी में कैडर बेहद कमजोर है और वो शायद ही सपा के कंधे पर सवार होकर ही कुछ सीटें जीत पाए। पिछली बार तो राहुल गांधी तक यूपी में अपनी सीट नहीं बचा पाए थे और यूपी में कांग्रेस केवल 1 सीट जीती थी और वो थी सोनिया गांधी की। तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यूपी में सपा और कांग्रेस का कोई गठबंधन हो भी पाए। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर कुछ अलग ही दंगल चल रहा है। उद्धव ठाकरे शिवसेना के लिए 23 सीटें 23 सीट मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस और एनसीपी उद्धव को इतनी सीटें देने के मूड में नहीं है। शिवसेना से शिंदे गुट के अलग होने के बाद शिवसेना की ताकत कम हुई है और इस बात को कांग्रेस और एनसीपी समझती है।
अब एनसीपी में टूट हुई, लेकिन अजीत पवार चाचा शरद को नाराज कर कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं ये भी देखना होगा। अब बिहार की बात कीजिए तो हालात ऐसे बन रहे हैं कि नीतीश कुमार दोबारा पलटी मार सकते हैं। अब पहले तो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन अब नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो ये गठबंधन भी पानी में जाता दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन ऐसा गठबंधन बनता जा रहा है जिसमें गांठों के अलावा कुछ भी नहीं है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।